अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिबा और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद साहिबा। अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं और जब भी मैं अपने ससुराल आऊँ तो आप वीडियो बहुत ज़्यादा देखी जाती है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो आज भी मैं ससुराल आई हूँ, पिंडी वाले ससुराल, और आपने देखा होगा कि ससुराल में बहुएँ काम कर रही होंगी। आइए मैं आपको दिखाऊँ कि ससुराल में आज बेटा काम कर रहा है, भाई काम कर रहा है जल्दी मुझे ऑर्डर दे रहा था बना के 2 बजे। अच्छा, आप तो नहीं कर रहे थे ना? नहीं, मैं कुछ नहीं करता काम। अच्छा, असल में बात पता क्या है, आज आई फरमाइश ससुरालियों की तरफ से, यानी कि इनकी मेरे माँ बाप की तरफ से, इनके भाई और भाभी की तरफ से, कि जी जो मछली रैम्बो साहब बनाते हैं ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है और वो खाने को दिल चाह रहा है। तो रैम्बो साहब घुस गए किचन में और मैं भी बना लेती लेकिन मेरे हाथ की पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं रेस्ट कर लेती हूँ और मेरा अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो रैम्बो साहब सबसे पहले क्या कर रहे हैं? लेकिन मछली जो है वो सरसों के तेल में बने तो उसी का मज़ा आता है। तो सरसों का तेल रेडी नहीं था, उसको मैं पका रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे पकाते हैं। तेल ला के गर्म करें, उसमें प्याज और लहसुन काट के डाल दें, हरी मिर्च डालनी है वो भी डाल दें। मैंने इनमें से एक चीज़ भी बहुत होती है लेकिन मैंने तीनों डाल दी है। और इतना सा आटा छोटी सी रोटी बना के भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी जल्दी है तो मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया और हरी मिर्च भी डाल दी। अब वो बिल्कुल जल जाएंगे जब, और आज मैंने हल्की कर दी है तो ये पक जाएगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी वो जो आती है। ये देखें अब ये जलना शुरू हो गया, जब तक ये बिल्कुल कोयला नहीं बन जाएगा तब तक मैं इसके साथ यही करता रहूँगा। जी जी जी, क्यूट सा झाड़ू पड़ा हुआ। ये झाड़ू मैं आपको बताता हूँ, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये अल्लाह जन्नत नसीब करे वालदा साहिबा को, वो रोटी बनाती थी ना तो उसकी सफाई के लिए ये होती है ऐसे कि यहाँ रोटी बनती है, यहाँ गंदा कपड़ा ना लगे। ये बनती है जी मरी में जो चीड़ के दरख्त हैं उसके जो लंबे लंबे पत्ते होते हैं वो बिल्कुल एक एक बाली जैसे ये जैसे चीले, वो वहाँ से आके ला के ये बनाती थी। वो फैशन अभी तक चल रहा है। तो ये हम 2 साल पहले मरी गए थे तो ये मेरी भाभी जो है और बहन साथ गई थी तो वो वहाँ से चीड़ के दरख्तों से तोड़ के इतना सारा लाई है, उसके झाड़ू बना के रखे हुए हैं। तो ये अभी तक चल रहा है, ये होता है सफाई के लिए। और ये नीचे नहीं रखा जाता, नीचे नहीं मारा जाता, ये ऊपर ही रहता है, क्योंकि इसमें खुशका जो होता है ना, खुश्क आटा, उसको उतारने के लिए, जगह साफ करने के लिए। ये मैं अपनी माँ के किचन में अभी इस वक्त आज, और इन चूल्हों पे मेरी अम्मी ने कई 1000 खाने बना के हमें खिलाए हैं। और मैंने फिर लाहौर से चलना शुरू करना तो यहाँ पे उन्होंने आलू टींडे और गोभी और शिमला मिर्च आलू और शिमला मिर्च पकाने शुरू कर देने। एक दफ़ा क्या हुआ था बता दूँ? बताओ। अच्छा, नई नई शादी हुई थी ना, वो जाहिर है मैं नई नई आई थी, हर चीज वो अपनी बताती थी कि मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये खाता है, मेरा बेटा ये चीज पसंद करता है। तो मैं एक जब 3-4 काफी चक्कर से बाहर जा रहा हूं, काफी दफा इधर लाइट है, काफी चक्कर के बाद जब हम आए तो कहती कि अच्छा मैं ना अफजल वास्ते ना शिमला मिर्च पका सकता, तो मैंने कहा नहीं वो अब शिमला मिर्च नहीं खा। और मुझे अभी तक याद है कि मुझे इतना दुख होता है कि मैंने उन्हें ये क्यों कहा। तो अब मुझे कोई कहे कि ऐसन जैन चिकन शौक से नहीं खाते तो मुझे तो दुख होगा ना, मुझे कोई याद है जो मेरी बहू कहेगी ऐसन और जैन ना, ऐसन की बहू, ऐसन की बेगम आए या जैन की आए तो मुझे कहे कि वो ये चीज़ शौक से नहीं खाते जो उसकी फेवरेट हो, मुझे कितना दुख होगा ना। होगा होगा, ये तो आएगा टाइम, टाइम वापस पलट के आएगा। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं अफजल खाता है और उन्होंने बनाया और फिर मैंने खाया इसके सामने यूं करके खाया। आज हमने सोचा कि यहाँ पे कुकिंग की जाए, एक दिन शूट का ब्रेक था तो हम यहाँ आ गए इन लोगों से मिलने, और तो अब हम पका रहे हैं मछली कोरमा। कोरमा, मछली कोरमा। हाँ जी। अच्छा जी, ये मछली जो है धुल चुकी है, ये एक दिन पहले लाई गई थी, इसको लीमू नमक और अजवाइन लगा के रखा गया है एक रात फ्रिज में, और अब इसको वॉश किया गया है और अब इसको मैं लेकर जा रही हूँ, रैम्बो साहब की हेल्प करा रही हूँ।
क्या कर रहे हैं मुझसे पूछे हमें? अच्छा जी मुझसे पूछे, मैं बना रहा हूँ। अच्छा जी मैं मछली को हल्का हल्का सा 10-10 सेकंड के लिए ना सिर्फ तेल में डुबो के निकाल रहा हूँ, ताकि वो बाद में ना टूटे ना, वो टूट जाती है ऐसे फ्रेश रहे। यानी ब्राउन भी नहीं करना, बस ऐसे डिप करके, डिप करके निकाल देना। मैं खाती हूँ इसको बॉइल्ड राइस के साथ, और मैं साथ अपने लिए बॉइल्ड राइस बना रही हूँ, और जो मेरे साथ खाना चाहिए। तो जी अच्छा जी अब मछली बकायदा बनने का आगाज हो गया है, प्याज लाल हो रहा है, और रैम्बो साहब जो है वो सर जी ये क्या तरीका है कि आप नीचे बैठ के दूसरे चूल्हे पर खा रहे हैं? बहुत मेहनत हो रही है और इधर बैठ के अब बनाऊंगा, और मैंने ये पतीला मंगवा लिया क्योंकि मछली ज़्यादा है इसमें बनेगी नहीं। मछली को थोड़ा थोड़ा तेल में ज़रा ज़रा सा सेक लगवा लें ताकि उसमें जान आ जाए, ठीक है। उसके बाद प्याज ब्राउन होगा, फिर आगे देखते हैं जी क्या करना है, बताता जाता हूँ मैं। हाँ जी रैम्बो साहब ने कहा कि मैं खुद उठूंगा सारे काम खुद जी, मज़ा यही है। टमाटर काट ली है मैंने, हरी मिर्ची है साथ, प्याज ब्राउन हो गया है, अदरक लहसुन मैंने खुद ही कूट भी लिया है। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये मैं ग्राइंड करने के बाद आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। इनको मैं मिक्स करके ग्राइंड करूँगा। अब आप क्या कर रहे हैं? ये टमाटर हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट मैंने बना ली है, ये तैयार है जी, और ये लहसुन और अदरक जो है इसको मैं अब ब्राउन करूँगा। ये जैसे ही ब्राउन होगा तो हम इसमें इसको डाल देंगे और फिर इसकी जरा बुनाई करेंगे, पकाएंगे। बिल्कुल रैम्बो साहब इस वक्त अपनी बहन की तरह लग रहे हैं। चलिए ये लहसुन ब्राउन हो गया और अब इसमें ये पेस्ट डल जाएगा। ये है सारा मसाला। अब मुझे लग रहा है कि अब हमें उस पतीले में शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा। मसाला जब ऑयल आ गया जी ऊपर, मसाला पक चुका है, अब हम इसमें लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, अजवाइन और नमक डालेंगे। नमक थोड़ा इसलिए है कि इसमें ऑलरेडी पहले हमने नमक लगाया हुआ था, इसमें डालेंगे। ये लो बेटा इधर ले, और अच्छा अभी अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मेरा मसाला इसमें भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा दही डाल के थोड़ी बनाई होगी ताकि मसाला पक जाए, फिर हम इसमें फिश डाल देंगे। चलो ये मसाले में अभी इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, फिर इसमें पानी डाल देंगे जितना आपको चाहिए। शोरबे वाली बनानी है तो इतना डाल लें, अगर कोरमा टाइप बनाना है तो फिर थोड़ा पानी कम डाल दें। ये पकड़े जी, हम थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला बनाएंगे। कोरमा कोरमा ये देखिए, चम्मच नहीं मारना, इस तरह हिला देंगे ताकि मछली टूटे ना। चलो जी बॉयल पानी डालना है अब इसमें। बॉयल हो रहा है उधर, मैं अभी आपको देती हूं जरा सी और हो जाए मछली। हां मुझे देना, मैं जरा दम पे लगाऊं इसे कवर ऊपर ताकि इसमें जरा खुशबू नच बस जाए, मसाले बोटियों के अंदर ऐसे करके जाए और बोटियां ऐसे फ्रेश हो जाए कि मुझे खा लो। चलो ये देखते जी हो गई है, इसके अंदर शक्कर आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ शक्कर नजर आई है कुछ। हाँ। इसको मैं इसको छेड़ने को दिल नहीं चाह रहा, सिर्फ खाने को दिल चाह रहा। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँ, धनिया वनिया गरम मसाला डाला था मैंने, दम दे दिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ। भतीजियाँ भतीजे खाएंगे, भाई खाएगा, हम खाएंगे, और कुछ मेहमान आए हुए हैं गम से वो खाएंगे। जी आपको याद आ गया होगा टेलीफिल्म आम। अच्छा जी रैम्बो साहब आ जाए, भूख लग गई है, प्लीज पहले फिश तो खा लेना, जरा ट्राई करके देखें। हाँ ट्राई करके बताओ।
सच सच बताना कि वैसे ही बनी है कि नहीं, सर क्वांटिटी ज्यादा थी। सचमुच बहुत मजेदार, आपके मुंह की तारीफ नहीं है, सचमुच मजेदार है। और ये सर्दियों का मौसम है, अपने घर में इसी तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइफस्टाइल विद साहिबा, एंजॉय करें फिश को।